बड़ी मम्मा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मखाने की खीर बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने नॉर्मल कटोरी ली है, दो कटोरी मखाने ले ली है, एक कटोरी के करीब मैं चीनी ले रही हूँ, थोड़े से काजू बादाम और एक किलो दूध। ये मैं फुल क्रीम दूध यूज कर रही हूँ, खीर के लिए थोड़ी थिकनेस वगैरह चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम मखानों को भून लेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने एक चम्मच देसी घी डाल दिया है और इसमें मैं सारे मखाने डाल के भून लूंगी। इसको मध्यम आंच पे ही भूनेंगे, बस इतना भूनना है इसको कि थोड़ा सा इसका क्रंचीपन आ जाए, ताकि आराम से थोड़ा साइज बड़ा हो जाए और आराम से हाथ से ये टूट जाए। अभी नहीं हुए। दूसरी साइड मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिए। जब तक ये हमारे मखाने भुनेंगे तब तक दूध भी साथ साथ गर्म हो रहा है। इसको ठंडा करने के बाद हाथ से ही तोड़ लेंगे, बस मोटा मोटा ही चाहिए, नहीं तो हम इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी में बिल्कुल चूरा हो जाएगा क्योंकि हमें इसको दूध में भी उबालना है तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हाथ से ही हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। बस ऐसे ही सारे मखानों को तोड़ लीजिए। तो मखानों को टुकड़ों में कर दिए हैं, ज़्यादा चूरा नहीं किए हैं क्योंकि मुझे, मैं बता रही हूँ कि दूध में भी पकेंगे। चलिए अब इसको हम दूध में डाल देते हैं। दूध हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया था, फिर मैंने मखाने डाले हैं, इनको अच्छी तरह चलाते रहेंगे। खीर को हमेशा मीडियम आग पे ही बनाना चाहिए, साथ साथ चलाते रहिए, कहीं दूध साथ नहीं तले में नहीं लग जाए। हमेशा खीर बनाते वक्त हमें मोटे तले का पतीला यूज़ करना चाहिए ताकि ये हमारी जो खीर है वो साथ नहीं लग जाए। देखिए कितनी जल्दी हमारी ये खीर बन के तैयार हो जाएगी। मखाने हमारे वैसे ही सॉफ्ट हैं, बस ये दूध में मिक्स होने की देर है और हमारी खीर तैयार हो जाएगी। दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया, मखाने भी ये दूध में अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा हिलाते हिलाते हम मखानों को थोड़ा सा दबाते भी जाएंगे ताकि वो और बीच में सॉफ्ट हो जाएं। चला तो हम रहे ही हैं, साथ साथ थोड़ा सा मखानों को भी दबा देंगे तो वो और अच्छा टेस्ट आएगा उनका। दूध हमारा गाढ़ा हो गया, इसी टाइम में अब ये बादाम और काजू जो ड्राई फ्रूट मैंने काट के रखा था वो सारे इसमें डाल दूँगी, इसको हिला देंगे। ये देखिए जितना दूध रखा था मेरा बिल्कुल आधा रह गया उससे, और अच्छी तरह से ये गाढ़ी भी हो गई है हमारी खीर। ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से मखाने भी हमारे गल गए हैं। अब मैं इसी दौरान चीनी डाल दूँगी क्योंकि चीनी डालने से भी ये थोड़ी सी पतली होगी और कम से कम मुझे भी 5 मिनट और चलाना पड़ेगा इसको। चीनी मिलाने के बाद भी अच्छी तरह हिला देंगे, 5 मिनट चलाएंगे फिर हम गैस बंद कर देंगे और हमारी खीर तैयार हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मखाने बहुत पौष्टिक होते हैं, यह हमारे हड्डियों के लिए विटामिन्स वगैरह बहुत अच्छी तरह होते हैं। हमारे बुज़ुर्ग वगैरह जो हैं उनको भी ये मखाने की खीर फास्ट में तो हम खा ही सकते हैं, उनको नॉर्मल डेज में भी दे सकते हैं। एक तो वो हल्के हैं ये खाने में भी और पौष्टिक हैं, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, बोन्स हमारी मजबूत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये देखिए हमारी मखाना खीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लगी बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।